नमस्ते बच्चों, आज हम गैफी जिराफ और उसकी माँ फैनी को एक दिलचस्प रंग भरने का खेल खेलते हुए देखेंगे। एक दिन गैफी बोर हो रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ क्या हम कोई रंग भरने का खेल खेल सकते हैं? हाँ गैफी, मैं तुम्हारे लिए कुछ आकृतियाँ बना देती हूँ और तुम्हें उनमें रंग भरने होंगे, ठीक है? गैफी की माँ ने चांद, तारा, सूरज, वर्ग, त्रिकोण, वृत्त, आयत, अंडाकार, स्माइली, पास्ता और अंत में एक हीरे का चित्र बनाया। उसके बाद गैफी की माँ ने प्रत्येक आकृति को 10 से लेकर 20 तक एक संख्या दी। इसके बाद उन्होंने प्रत्येक संख्या के लिए एक रंग लिखा। 10 के लिए सफेद, 11 के लिए पीला, 12 के लिए नारंगी, 13 के लिए गुलाबी, 14 के लिए लाल, 15 के लिए बैंगनी, 16 के लिए भूरा, 17 के लिए काला, 18 के लिए ग्रे, 19 के लिए नीला और 20 के लिए सुनहरा। उन्होंने कुछ कागज के टुकड़ों पर 10 से लेकर 20 तक संख्याएं लिख दी और फिर उन्हें मोड़कर एक डब्बे में डाल दी। अब गैफी, एक चिट्ठी उठाओ और उस पर लिखी संख्या किस आकृति से मिलती है ये बताओ। माँ, इस चिट्ठी में 14 लिखा है और 14 की संख्या इस त्रिकोण में लिखी है। बहुत अच्छे गैफी, अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने 14 नंबर के आगे कौन सा रंग लिखा है? लाल। शाबाश गैफी, इसका मतलब अब आपको त्रिकोण में लाल रंग भरना होगा, क्योंकि त्रिकोण की संख्या 14 है और मैंने 14 नंबर के आगे लाल रंग लिखा है। तुम खेल समझ गई गैफी? हाँ माँ, ये खेल तो बहुत मजेदार है। गैफी ने तुरंत त्रिकोण में लाल रंग भर दिया। अब बच्चों, अगली चिट जो गैफी ने उठाई उसकी संख्या 19 है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसे अब क्या करना चाहिए? 19 संख्या की आकृति पासे की है और 19 का रंग नीला है, इसीलिए उसे पासे को नीला रंग देना चाहिए। गैफी की अगली चिट 11 है। वो तारे को पीला रंग देती है। इस तरह वो एक एक करके चांद को सफेद, सूरज को नारंगी, वर्ग को गुलाबी, वृत्त को बैंगनी, आयत को भूरा, अंडाकार को काला, स्माइली को ग्रे और हीरे को सुनहरा रंग देती है। गैफी अपना चित्र पूरा करके बहुत खुश है। क्या अब आप भी संख्या का उपयोग करके चित्र रंगने का ये खेल खेलना चाहते हैं? सबसे पहले अपनी नोटबुक में आइसक्रीम बनाएं इस तरह। अब इस आइसक्रीम में लिखी हुई संख्या और नीचे दिए गए संख्याओं के आगे लिखे रंगों का उपयोग करके चित्र में रंग भरें। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे।